हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बर्थडे व्लॉग वीडियो। मैं फर्स्ट टाइम अपने बर्थडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, तो इसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप बहुत इन्जॉय कीजिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा क्लासेस चल रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ रेगुलर वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरा क्या क्लासेस चल रहा है, मैं क्या अभी कर रही हूँ, उसका मैं अलग से चैनल ओपन करके रखी हूँ ब्यूटी का। आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर उससे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इंस्टा आईडी को भी मैं ऐड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, तो आप वहां जाके भी आप मुझे देख सकते हो। तो आज है 28 सितंबर। 28 सितंबर को मैं अपने क्लास के फ्रेंड के साथ शेयर कर रही हूँ बर्थडे। तो उन्होंने मेरे लिए एक केक लाया था, हमने केक कटिंग किया, केक खाए, उसके बाद स्वीट्स खाया, फिर हमने बहुत अच्छा एक लंच किया सारे फ्रेंड्स मिलके, थोड़ा सा इंजॉय किए वहीं पे हमने। और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। सच कहूँ तो बहुत ही मज़ा आया था 28 सितंबर को, हमने जो सेलिब्रेट किया था बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एंड मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे को इतना अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसके बाद मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ, अभी मैं बस पकड़ूँगी, बस से मैं घर जाऊँगी। उसके बाद आज है 29 सितंबर, जिस दिन मेरा है बर्थडे। तो आज हम जा रहे हैं टेंपल के लिए, अर्ली मॉर्निंग हम सब रेडी हो गए थे। उसके बाद हम जा रहे हैं बिरला टेंपल। यहाँ हैदराबाद में बिरला टेंपल है, बहुत ही अच्छा टेंपल है, अगर आप गए हो तो आपको पता ही होगा। अगर जो आदमी नहीं गए हैं तो आप हैदराबाद में बिरला टेंपल ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम निकल चुके हैं बिरला टेंपल के लिए, हमने फूल प्रसाद वगैरह रास्ते से ले लिया है। और आप देख सकते हैं बिरला टेंपल का हाइट थोड़ा ज़्यादा है, आपको ऊंचे तक जाना पड़ता है, तो कैब वाले भैया ने नीचे ही हमें उतार दिया था, हम नीचे से पैदल ऊपर तक आए थे टेंपल तक। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग है जहाँ महादेव का एक मूर्ति है, बना हुआ स्टैचू है। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको इस तरीके के रास्ते आएंगे जो ऊपर चढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, बच्चों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इट्स ओके, अगर आप गोदी में कैरी कर सकते हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको अपना शूज़ वगैरह या फिर फ़ोन वगैरह सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके नहीं जा सकते अंदर। अंदर में व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह हमें लेने नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो हम लोगों ने फ़ोन वगैरह वहीं पे सबमिट कर दिया था। उसके बाद हम दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम वापस आए, फिर फ़ोन वगैरह हमने ले लिया। और हम निकल चुके हैं कोटी के लिए। कोटी में हम जा रहे हैं गोकुल चाट खाने के लिए, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है गोकुल चाट, मेरे हस्बैंड का भी बहुत फेवरेट है, हमें बहुत पसंद आता। अगर आपने नहीं खाया ना तो आप एक बार ज़रूर इसे टेस्ट करके देखो, आप दूसरा चाट खाओगे नहीं। तो हमने यहाँ पे चाट खाए, थोड़ा सा शॉपिंग किया, इधर उधर थोड़ा सा घूम लिया हमने। उसके बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि इन लोगों का, मेरे हस्बैंड लोगों का भी प्लानिंग घर पे भी कुछ पार्टी का था, छोटा सा पार्टी एक था। घर पहुँचने के बाद हमने थोड़ा देर किया रेस्ट, रेस्ट करने के बाद हमें एक सरप्राइज़ फिर से मुझे मिला। मेरी फ्रेंड मेरे लिए केक वगैरह लेके आ गई थी मेरे घर पे, तो वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। फिर हम लोगों ने केक कटिंग किया, थोड़ा देर के लिए हम लोगों ने इन्जॉय किया सबके साथ, और मुझे सच बोलूँ तो बहुत बहुत पसंद आया मुझे। हर बार का जो बर्थडे है ना मेरा ये बेस्ट बर्थडे था, मुझे बहुत ज़्यादा मैं इन्जॉय की, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के बदौलत, सामने से तो मैं थैंक यू बोल दूँ, लेकिन इस वीडियो के थ्रू भी मैं बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरे बर्थडे को इतना अच्छा बनाने के लिए, इतना खास बनाने के लिए। मैं हर वक्त सबके बर्थडे को सेलिब्रेट करने का कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन मेरे बर्थडे को कोई इतना सेलिब्रेट करेगा, कोई नहीं, सब मिलके इतना अच्छे से सेलिब्रेट करेगा, मुझे पता नहीं था। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया है अपना ये बर्थडे। Thank you.
डिनर के बाद मेरा बर्थडे यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। तो ये आज है 30 सितंबर, जहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड फिर से गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये मेरी फ्रेंड की तरफ से ये पार्टी था। इस फ्रेंड को तो आप जानते ही हो, ये मेरी बेस्टी है। तो इसके साथ हम बर्थडे गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। मेरी फ्रेंड की तरफ से मेरे बर्थडे पर ट्रीट था, तो हम दोनों ने सेलिब्रेट फिर से किया इस 30 सितंबर को भी। एंड आपको मेरा ये बर्थडे का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, मैं बहुत इंजॉय की। अगर आपको भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।